मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर ग्रेटर नोएडा के हेरिटेज क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बोलते हुए दादरी विधायक तेजपाल लागर जी ने कहा कि मोदी हैं तो सब मुमकिन है। के सर्वमान्य नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। 9 वर्ष पूरे होने पर आज हमारी पार्टी ने दादरी विधानसभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें माननीय हमारे जिले के जिलाध्यक्ष, माननीय सांसद प्रतिनिधि, पार्टी के अन्य महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारीगण सब मौजूद हैं और आप आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 9 वर्ष पूरे होने के बाद जो मोदी जी ने ऐतिहासिक कार्य पूरे देश में किए हैं, देश की एक पहचान बनाई है, देश का जो विकसित देश है जैसे अमेरिका है, चीन है, आपने देखा ऐसी नीति बनाई कि चीन की हिम्मत नहीं हुई उसकी, जैसे चीन ने अपनी सेना बॉर्डर पर इकट्ठी कर दी थी, और रोज धमकी बंदर वाली घुड़की देता था कि हमला करेंगे, और लगता था हमला कब हो जाए। लेकिन आपने देखा मोदी की नीति के कारण उस शक्तिशाली चीन को वापस जाना पड़ा, वो हमला नहीं करा। मोदी जी ने बहुत ऐतिहासिक कार्य कराए, मोदी जी ने ऐसे कार्य कराए हैं जिनके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे कि कार्य हो जाएंगे। जैसे 35 से 370 हटाई मोदी जी ने, और लोग ने सपना देखना भूल गए थे कि ये हो भी सकता है, ख़त्म भी हो सकता है, और बहुत दिन से इसके प्रति आंदोलन चल रहा था, वो काम चुटकियों में मोदी जी ने समाप्त कर दिया। इसके अलावा आपने देखा अयोध्या, में जो मंदिर का विवाद था जो चल रहा था बहुत दिन से, बहुत सारे कार सेवक उसमें मारे गए थे, बहुत सारे का बलिदान हुआ उसमें, वो देखा मोदी जी ने कि कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा उसको कितनी जल्दी स्वीकार कराया। उसमें खास बात ये थी, दोनों समुदाय के लोगों ने, हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी उसको माना, और मुसलमानों ने स्वीकारा और मस्जिद के लिए दूसरी जगह दी, और वो एक सर्वमान्य निर्णय हुआ। ये सब मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मोदी जी का के बारे में कहावत है कि मोदी जी जो मुमकिन नामुमकिन काम है उसको मुमकिन कर देते हैं। ये मोदी जी ने बहुत सारे काम करके, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस वे कितने बन रहे हैं, आप देख रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे यहाँ बन रहा है, फिल्म सिटी बन रही है, आप देख रहे हैं DMICDFCC वहाँ बन रही है, आप देख रहे हैं डाटा सेंटर यहाँ बना, तो मोदी जी ने, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस वे कितने बन रहे हैं, हॉस्पिटल कितनी खुली हैं, और डॉक्टर की सीट कितनी बड़ी हैं, तो सब क्षेत्र में मोदी जी ने पावर प्लांट बना दा, यहाँ गौतम बुद्ध नगर में पावर प्लांट बना गौतम बुद्ध नगर में, एक दीनदयाल शोध संस्थान बना गौतम बुद्ध नगर में, तो ये बहुत सारे काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जनता पूरी तरह से मोदी जी पर विश्वास करती है और मोदी जी इसी तरह से कार्य करते रहेंगे, जनता उनका साथ देती रहेगी। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, और मोदी जी का भी इन विकास कार्यों के कारण, इन देश को एक सम्मान दिलाने के कारण, देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के कारण, नया भारत बनाने के कारण हम मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं।